नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अपचुगंज चौक के समीप देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक स्कॉर्पियो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने ड्राइवर के सिर में गोली मारी, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार लोगों द्वारा उसे मायगंज अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं इससे पहले आनन फानन में ड्राइवर को लेकर जब लोग सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचे तो उसकी गंभीर हालत को देखते ही वहां के डॉक्टरों ने उसे तुरंत मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। इधर सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं घटना को लेकर स्कॉर्पियो पर सवार ग्रामीण एवं परिजनों ने बताया कि वरियारपुर में तिलक समारोह में जाने के बाद पिंटू दास वापस घर लौट रहा था, तभी अपचुगंज चौक के समीप पहुंचते ही पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उसकी कनपट्टी पर गोली मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अपराधियों के साथ इस घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। वरियारपुर से तिलक करके वापस लौटा और एक आदमी मिला, मिथिलेश झा, हमारे गाँव के हैं, स्टेशन पर उसको बैठा लिया। बैठा के वो गया घर छोड़ने के लिए। घर पर से छोड़ के जैसे लौटा ना तो अपचुगंज जैसा बोल रहे सब लोग कि अपचुगंज चौक पर उसको हाथ दिया, मतलब वहाँ के बदमाश ने, और कोई टोकाना मतलब सीधा गोली मार। सवेरे हमको जानकारी मिली कि अपचुगंज चौक पर शाहबाद निवासी पिंटू दास, जो स्कॉर्पियो का ड्राइवर है, उसी को गोली मार दी गई है। और अभी तक थाना को सूचना मिली है, वो अपने स्तर से जो जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या गोली मारकर हत्या की गई है? गोली कहाँ मारी गई है? उसको किस जगह पर मारी गई? अपचुगंज चौक के पास ही। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बाइक सवार को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर निवासी मनीष कुमार पोद्दार के रूप में हुई है, जो घटना के वक्त शादी समारोह में शामिल होने भवनाथपुर जा रहा था। वहीं मृतक मनीष पोद्दार के परिजनों ने बताया कि मनीष रात के वक्त शादी समारोह में भवनाथपुर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर जवान बेटे की मौत से मनीष के माता पिता और परिजन गहरे सदमे में है और उनका बुरा हाल है। कौन था ना? क्या हुआ घटना? क्या हुआ घटना? यह हुआ था कि बारात से निकाले 1 बजे। हाँ, निकालने के बाद सब बारात पहुंच गया, ये ट्रक के चपेट में पड़ गया। हाँ, ट्रक मार के भाग गया। कहाँ पर? ये आपका नाथ नगर से 2 किलोमीटर आगे बाईपास में। बाईपास कहाँ गया था? शादी में? शादी में जा रहा था बाबानाथ। हाँ, अक्सर किसी न किसी विवाद या छात्र हित से जुड़ी समस्याओं को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन का दौर चलता रहता है और पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालय आंदोलन और प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। दरअसल नामांकन हो या समय पर परीक्षा की तिथि घोषित कर परीक्षा लिए जाने की बात हो या फिर परीक्षा परिणाम और रिजल्ट गड़बड़ी से जुड़ी समस्या, इन सभी को लेकर छात्र छात्रा जब भी कुलपति प्रतिकुलपति या विश्वविद्यालय के किसी बड़े पदाधिकारी से मिलने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अक्सर कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर मंगलवार को BCA बायो इन्फॉर्मेटिक्स के छात्र छात्रा जब कुलपति से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे तो कुलपति समेत कई पदाधिकारी विश्वविद्यालय से नदारद दिखे, जिसके बाद छात्र छात्रा ने प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि उनका सेशन पूरा हुए बिना BCA बायो इन्फॉर्मेटिक्स विभाग को बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से इस कोर्स को करने वाले सभी छात्र छात्राओं की पढ़ाई के साथ करियर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही कहा कि कुलपति से मिलकर वो सभी अपनी बात रखने आए थे, जिससे उनकी पढ़ाई और सेशन पूरा हो सके। वहीं इस तरह की तमाम समस्याओं और विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था के साथ TMU कार्यालय से पदाधिकारियों के गायब रहने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कुलपति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस
दौरान विद्यार्थी परिषद के भागलपुर विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि कुलपति हो या कोई भी पदाधिकारी हो, सभी छात्र हित का कार्य करने के बजाय अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, जबकि अक्सर नामांकन और रिजल्ट गड़बड़ी समेत कई तरह की समस्या के समाधान के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। साथ ही कई गंभीर आरोप भी कुलपति पर लगाया। मौके पर काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग आज धरने पे आए, जब यूनिवर्सिटी को पता थी बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम लोग का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का वैलिड 10 साल तक का है, वो 10 साल के आगे यूनिवर्सिटी एडमिशन क्यों लिए हम लोग का, जब पता था कि 10 साल का वैलिड है उसके बाद वो डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, फिर भी एडमिशन लेकर के हम लोग को बीच सेशन में बंद करवाया जा रहा है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, 6 सेमेस्टर तक है, हम लोग का अभी 3rd सेमेस्टर ही कम्प्लीट हुआ है, बाकी का 3rd सेमेस्टर हम लोग कहाँ करेंगे, यही क्वेश्चन है। कई दिनों से हम लोगों ने देखा है, आम छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं, और आज जब हम लोग कुछ छात्रों का समस्या लेकर के पहुँचे थे तो यहाँ पर कुलपति अनुपस्थित थे। उसके बाद हम लोग प्रोविसी प्रतिकुलपति के पास गए, वहाँ वो भी अनुपस्थित मिले। हम लोग रजिस्ट्रार के पास गए, वो भी अनुपस्थित थे। इस प्रकार से बारी बारी से सारे अधिकारियों तक पहुँचे हम लोग, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं था। तो ये आखिर किस प्रकार, किसके भरोसे विश्वविद्यालय चल रहा है, हम लोगों छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोगों ने कुलपति के अनुपस्थिति के खिलाफ या विश्वविद्यालय में जो अन्य अधिकारी उपस्थित नहीं है इसके खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन किया है, और कुलपति महोदय को हम लोग एक अल्टीमेटम दे रहे हैं इस पुतला दहन के माध्यम से कि अब वो विश्वविद्यालय में उपस्थित रहना शुरू कर दें, अन्यथा विश्वविद्यालय अगर वो नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय हम लोग बंद करा करके अस्थायी रूप से ही फिर विश्वविद्यालय को हम लोग बंद करवाने का काम करेंगे। भागलपुर मायगंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मेडिसिन विभाग में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें बुधवार को आयोजित होने वाले वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कार्यक्रम को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागलपुर IMA और API भागलपुर के पदाधिकारी और चिकित्सकों ने हाइपरटेंशन से बचाव को लेकर कई अहम जानकारी देने के साथ कई तरह की सावधानी बरतने की भी बात कही। वहीं अपने संबोधन में API भागलपुर के चेयरमैन डॉक्टर भरत भूषण ने बताया कि 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से लोगों को हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। API भागलपुर के सचिव डॉक्टर RP जायसवाल ने कहा कि पहले के समय में हाइपरटेंशन 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को हुआ करती थी, लेकिन समय और लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण अब युवाओं को भी यह बीमारी तेजी से अपनी चपेट में लेती जा रही है, जो चिंता का विषय है। वहीं API के डॉक्टर मनी भूषण ने बताया कि वर्तमान समय में 27-30% युवा इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसका मुख्य कारण स्ट्रेस, स्मोकिंग, गलत लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और मोबाइल का अधिक समय उपयोग करना है। इसके अलावा चिकित्सकों ने बताया कि 140/90 से अधिक BP होने पर इसे हाइपरटेंशन माना जाता है और इस पर नियंत्रण के लिए ज़रूरी सावधानी बरतनी आवश्यक है। साथ ही डॉक्टरों ने कहा कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर की तरह है, जो अक्सर अचानक हार्ट अटैक का कारण बनता है, जिससे रोगी की मौत भी हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर राजकमल चौधरी, डॉक्टर AK पांडे और डॉक्टर शांतनु घोष भी मौजूद रहे। हरेक साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। किसी डे के मनाने का खास मकसद है, और यह मकसद होता है जो आम जनों को, आम जनता को इसके बारे में जागृत किया जाए, जो लोग इसके बीमारी के बारे में कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ जाने और इससे भविष्य में बचने के लिए जो है सुसावधान रहें। उच्च रक्तचाप का मतलब है जो शरीर में जब रक्तचाप एक नॉर्मल जो 120-80 के आसपास होता है उससे ज़्यादा हो तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं। आज के प्रेस वार्ता खासकर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के बारे में चंद जानकारियां देने के लिए हम लोग सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम लोग हेल्दी कैसे रहें, दो तीन बार उसमें आयाम जुड़ जाते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हेल्थ,
मेंटल सोशल नॉट ओनली दैट हम लोग बोलते हैं उसमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल पार साइकोलॉजिकल हेल्थ के भी बारे में बात करते हैं। आज के समय में बहुत सारी खबरें आती हैं आपके माध्यम से आती हैं। एक जमाना था 50 के बाद 60 साल के बाद लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हुआ करते थे। आज की जिंदगी इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, खबरें आती हैं आपके माध्यम से 25 से 30 साल के युवा भी आजकल उच्च रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं। बीती रविवार की देर रात आई तेज आंधी और बारिश के कारण भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कई बगीचे में लगे आम, लीची और केला की खेती का भारी नुकसान हुआ है। वहीं इसको लेकर यहां के आम, लीची और केला के किसानों का कहना है कि इस आंधी तूफान ने उनकी कमर तोड़ दी है और करीब माह के अंदर टूटने के लिए तैयार लीची और आम समय से पूर्व ही आंधी में टूट कर जमीन पर गिर गया। जबकि केला किसानों का कहना है कि उनके केला बागानों में केले की फसल आंधी के कारण बर्बाद होकर पूरी तरह से जमीन पर पड़ गई, जिससे उन सभी को भारी आर्थिक क्षति हुई है। किसानों ने कहा कि महज एक से डेढ़ घंटे में ही तेज आंधी और चक्रवाती तूफान ने देखते ही देखते उनके सपने को जमीन पर बिखेर दिया, जिससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। साथ ही किसानों ने कहा कि इस बार आम और लीची की फसल ठीक ठाक थी तो लगा कि उन्हें इस बार अच्छा खासा मुनाफा होगा, लेकिन आंधी पानी ने पहले से कर्ज में डूबे इलाके के कई किसानों की हालत और भी बदतर कर दी है, जिससे अपने बागानों में कई किसान फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। बता दें कि बीहपुर के सोनवर्षा, मिल्की, झंडापुर, जयरामपुर, भवनगामा, नारायणपुर के नगरपारा, बिरबन्ना, बलाहा, तेलघी, कैठेला, ध्रुवगंज, तुलसीपुर, जमुनिया, तेतरी, पकड़ा समेत अन्य गांवों के किसानों की हालत एक जैसी है। जबकि लीची और आम के समय में बागान खरीद कर व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी बड़ा घाटा हुआ है। इधर तेतरी निवासी किसान किशुन देव राय ने कहा कि 5 रुपया सैकड़ों की दर से उसने 4 लाख रुपये कर्ज लेकर बागान की खरीदारी की थी और करीब 100 क्विंटल आम जमीन पर गिर गया। साथ ही कहा कि जो आम 10 दिन बाद 40 रुपये किलो के हिसाब से बिक्री होती, वह आंधी के कारण अभी महज 5 रुपये किलो के हिसाब से भी बेचने पर खरीदार नहीं मिल रहे हैं। वहीं नवगछिया SDO उत्तम कुमार ने कहा कि इस क्षतिपूर्ति को लेकर कृषि विभाग से जो भी निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा। जबकि बीहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि आंधी पानी में किसानों को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है और उन्हें राहत देने के लिए कृषि विभाग जल्द से जल्द क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा देगी। राति जो आंधी तूफान अल ओमे बहुत फसल के नुकसान हो गया है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि कुछ क्षतिपूर्ति दिला जाए। कि कौन तरह के फसल होले नुकसान? आम, केला, आम में बहुत ज़्यादा नुकसान होले, आधा आधी आम गिरिए गेले, केला के भी बहुत गाछ पेड़ सब गिर चुकल है। बगीचा लेने रही हम आम सब गिर गए, सब रे 5 टका से ब्याज हो, सब बड़का आदमी पैसा के बाबू हम कहाँ से देव, हमरा कुछ रियायत करिए सरकार के तरफ से जो मदद से करबे नहीं करबे तो हमरा के कोई उपाय नहीं है कि बाल बच्चा खेते कि। रात में जो आंधी तूफान बहे उस प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे फल और केला लीची का नुकसान हुआ है। खास करके पकड़ा के क्षेत्र जो है केला और आम लीची का जो प्रधानता है इसमें करीब बहुत सारे किसान का नुकसान हुआ है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि जो फसल क्षतिपूर्ति है वह जो है अपना सर्वे करा कर किसानों के बीच में वितरण करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।